हाय एवरीवन, हाइड्रोजन पढ़ रहे थे हम लोग वाटर के बारे में, और लास्ट क्लास में वाटर का प्रिपरेशन और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किए थे। आज वाटर का केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। वाटर का केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इसमें आता है वाटर का स्टेबिलिटी ऑफ वाटर। देखो, वाटर का जब फॉर्मेशन हम लोग देख रहे थे, उसके लिए जो इक्वेशन था कि ऐसे हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिल करके जब वाटर बना रहा था, हाई टेम्परेचर, तो यहाँ जो है एनर्जी रिलीज हो रहा था कुछ 286 किलो जूल पर मोल। मतलब जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वाटर का, वह हो गया -286 किलो जूल पर मोल। ऐसा अब किसी भी सब्सटेंस का यदि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव हो, तो इसका मतलब होता है कि यह कंपाउंड बहुत ही अस्टेबल है। तो चूंकि वाटर का फॉर्मेशन एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल काफ़ी अस्टेबल है। और यदि मॉलिक्यूल काफ़ी अस्टेबल है तो फिर इसका डिसोसिएशन आसानी से नहीं हो सकता है। यहाँ ये जो डेल्टा एफ एच है ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थर्मोडायनेमिक्स टर्म है, तो इसके लिए यह नेगेटिव वैल्यू जितना बड़ा होता है वह सब्सटेंस का स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखोगे कि यह नेगेटिव वैल्यू जितना बड़ा होगा उस सब्सटेंस का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। और यह देख रहे हो नेगेटिव वैल्यू काफ़ी बड़ा है, -286 बहुत बड़ा वैल्यू है। ऐसा तो ड्यू टू वेरी लार्ज नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर इज अ वेरी स्टेबल, मतलब H2O इज क्वाइट स्टेबल मॉलिक्यूल। और जब इतना स्टेबल है तो इसका डिसोसिएशन पॉसिबल जनरली है नहीं। जबरदस्ती यदि तोड़ोगे तो वही बात है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, 1500 केल्विन टेम्परेचर, और अब जा कर के टूटेगा 2H2 प्लस O2 में। और ये भी जो डिसोसिएशन हुआ है मात्र 2% हुआ है, ओनली 2%। समझे बात को, एक तो इतना ज़्यादा स्टेबल है कि आसानी से टूटेगा नहीं, यदि किसी तरह से बहुत हाई टेम्परेचर दे करके इसको तोड़ भी दिए तो डिसोसिएशन मात्र कितना होता है, 2%। मतलब 100 वाटर का मॉलिक्यूल में 2 ही मॉलिक्यूल टूटता है ऐसे। तो ये सारे फैक्टर्स, या जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसका नेगेटिव वैल्यू का काफ़ी बड़ा होना, डिसोसिएशन काफ़ी कम होना, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि H2O इज अ वेरी अस्टेबल मॉलिक्यूल, बहुत अस्टेबल मॉलिक्यूल, आसानी से इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। हालांकि यदि वाटर में थोड़ा बहुत एसिड या बेस मिला हुआ हो, 2H2O लिक्विड एसिडुलेटेड वाटर, मतलब इसमें थोड़ा बहुत एसिड मिला हुआ है, तब इसका डिसोसिएशन हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे तब इसका डिसोसिएशन होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रकार से हुआ। हाइड्रोजन जाकर के कैथोड पे जमा होएगा और ऑक्सीजन जाकर के एनोड पर जमा होगा। अच्छा, तो एसिड वगैरह थोड़ा सा मिला दिए हो तब इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हो तो इसका डिसोसिएशन थोड़ा बढ़ जाता है। एसिड मिलाने से बताए हैं कि आयोनाइजेशन फास्ट हो जाता है, आयोनाइजेशन जो है इसका तेज हो जाता है। तो यह था वाटर के स्टेबिलिटी के बारे में कि वाटर एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है H2O, और रीजन इसका हुआ कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका नेगेटिव है, और वह भी नेगेटिव में हाई वैल्यू है। सबसे बड़ा बात यह हुआ इसके लिए। नेक्स्ट, वाटर के बारे में हम लोग जानते आ रहे हैं कि यह एम्फोटेरिक नेचर का है, मतलब एसिड से भी कंबाइन कर सकता है, बेस से भी कंबाइन कर सकता है, मतलब खुद एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर जो है
शो करता है। तो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, वाटर का एम्फोटेरिक नेचर। तो बोल रहा है कि जो वाटर है, वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और जब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जो सब्सटेंस आयन में डिसोसिएट कर जाए एक्वस मीडियम में, तो एक्वस मीडियम में जो आयन में आसानी से डिसोसिएट करेगा, ज़्यादा डिसोसिएट करेगा, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन उसका अधिक होएगा, तो वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन जिसका डिसोसिएशन कम होगा, जो अपने आप आयन में नहीं टूटेगा एक्वस मीडियम में, तो वह वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वाटर बहुत ज़्यादा जो है डिसोसिएशन नहीं शो करता है। तो जैसे वाटर H2O हुआ, तो एक H2O मान लो कि इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा H2O वहाँ एक्वस मीडियम को बता रहा है, ऐसा मान लो। तो जब डिसोसिएशन होगा तो H2O टूट करके H+ देगा, और वही H+ जा करके इससे कंबाइन करेगा तो बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। दिस इज हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, और ये कहलाता है हाइड्रोक्साइड आयन। अभी कितना हाइड्रोनियम आयन और कितना हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और इसका वैल्यू तकरीबन 1×10⁻⁷ मोल पर लीटर। अरे 1×10⁻ का -7 है, तो देख लो 10⁻⁷ कहने का मतलब हुआ कि यह बहुत स्मॉल वैल्यू है। बहुत स्मॉल वैल्यू मतलब ये आयन्स बहुत कम बन रहे हैं, तो ये आयन्स बहुत कम बन रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि वाटर का डिसोसिएशन बहुत कम हो रहा है। आयन्स कम बन रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि वाटर का डिसोसिएशन जो है वह बहुत कम हो रहा है। तो वही तो लिखे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उतना बेहतरीन तरीके से या उतना ज़्यादा जो है या डिसोसिएशन शो नहीं करेगा। तो उस हिसाब से जब दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H3O इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-, तो 1×10⁻⁷ मोल पर लीटर, दोनों का तो इतना ही है, इंटू 1×10⁻⁷ मोल पर लीटर, तो ओवरऑल जाएगा 1×10⁻⁴ मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। और ये जो आयन के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KWC, इसको हम लोग जो है डिनोट करते हैं। समझ गए बात को? तो यह वाटर का आयनिक प्रोडक्ट का मतलब हुआ इसके आयनों के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। आयन्स तब बनेंगे जब डिसोसिएशन होगा। अब चूंकि आयन का कंसंट्रेशन ही इतना कम है, तो यह बता रहा है कि वाटर का जो है डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है। अब वाटर चूंकि एम्फोटेरिक नेचर का है, तो बताया कि यह एसिड बेस दोनों से कंबाइन कर सकता है। तो जैसे HCl एक एसिड है, इसका रिएक्शन वाटर से करवाओगे तो ये बनता है हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl-। अच्छा, तो HCl यहाँ एसिड है और H2O यहाँ काम किया बेस का। एसिड क्यों है? क्योंकि यह H+ फर्निश कर रहा है। ये बेस क्यों है? क्योंकि यह लोन पेयर से H+ को ले रहा है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हो कि लोन पेयर डोनर या फिर H+ एक्सेप्टर बेस कहलाता है और H+ डोनर एसिड कहलाता है। उसी प्रकार से एक इक्वेशन लिखो, जैसे NH3+H2O, तो ये मिल करके बनाता है अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब यहाँ या NH3 क्या कर रहा है? लोन पेयर दे करके H+ ले रहा है, तो इस केस में कहलाएगा बेस, और ये H+ दे रहा है तो ये कहलाएगा एसिड। तो यहाँ H2O बेस हुआ और यहाँ जो है एसिड हुआ। अब एक ही सब्सटेंस यदि एसिड बेस दोनों के जैसा बिहेव करे, इसका मतलब कि वह एम्फोटेरिक नेचर का है, वह दोनों बिहेवियर शो कर सकता है। मतलब वह दो प्रकार के सब्सटेंस से रिएक्शन कर सकता है, एसिड से भी और बेस से भी। तो वाटर एक एम्फोटेरिक नेचर का सब्सटेंस है जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है,
जब यह एसिड का काम करेगा तो एक बेस से रिएक्शन करेगा काफ़ी आसानी से, और जब यह बेस का काम करेगा तो एसिड से रिएक्शन करेगा। उसके बाद वाटर जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, वाटर एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल्सो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह सारा फैक्टर हम लोग जो है पढ़े हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वह सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब हुआ कि खुद रिड्यूस होएगा। अब खुद रिड्यूस होगा तो उसके कई कारण हो सकते हैं, या तो ऑक्सीजन हट जाएगा, या तो ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये सारे प्रोसेस मिलाओगे तो एक साथ ही ऑपरेट होते हैं कभी कभी। तो नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसके लिए इक्वेशन लिखोगे 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तो बनता है 2 हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस प्लस H2 गैस। इस प्रोसेस का जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वह है -0.83 वोल्ट ऐसा। इसको कई तरीके से समझ सकते हो, कई तरीके से समझ सकते हो इस संदर्भ में कि एक तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन ही कहलाता है, या फिर ऐसे देख सकते हो कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 है, ऑक्सीजन का -2, तो ऑक्सीजन का -2 यहाँ ठीक है, हाइड्रोजन का +1 भी ठीक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का हो गया 0 ऐसा। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया मतलब इसका रिडक्शन हुआ, जब खुद रिड्यूस हुआ तो यह काम करेगा ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और यह जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वह नेगेटिव है ऐसा। तो नेगेटिव वैल्यू है तो जनरली नेगेटिव वैल्यू जिसका होता है वे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा भी बिहेव कर सकता है वाटर, लेकिन साइमल्टेनियसली या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी जो है काम करेगा। इसके लिए कई रिएक्शंस हैं जो इस फैक्ट को सपोर्ट करते हैं। जैसे जब सोडियम मेटल रिएक्शन करता है वाटर से तो काफ़ी कॉमन रिएक्शन है, हम लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है प्लस H2 गैस निकलता है, 2H2O H2 गैस निकलता है ऐसा। तो यहाँ देखोगे तो सोडियम का हो गया भाई ऑक्सीडेशन, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ +1 बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाएगा इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो अब रिडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो जब अपने से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रहेगा सोडियम का, या जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो होता है -2.71 वोल्ट। और पढ़े हम लोग कि यह नेगेटिव वैल्यू जितना ज़्यादा हो, नेगेटिव वैल्यू जितना ज़्यादा हो वह उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हालांकि ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू जिसका रहता है वह रिड्यूसिंग एजेंट ही होते हैं। अब मान के चलो दोनों का नेगेटिव वैल्यू है, वाटर का भी नेगेटिव है सोडियम का भी नेगेटिव है, तो इस केस में जिसका नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा रहेगा वह स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका कम रहेगा वो वीकर होगा, तो फिर वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने लगेगा। क्योंकि दोनों रिड्यूसिंग एजेंट तो आपस में रिएक्शन कर नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इसी का एक रिएक्शन और है कि कार्बन जो कि कोक है इससे हम लोग पास करवाते हैं स्टीम, हाई टेम्परेचर 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग सीन गैस बोलते हैं। और इस रिएक्शन में भी यदि देखोगे
कार्बन का हो जा रहा है ऑक्सीडेशन, कार्बन का हो जा रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ जीरो है और यहाँ प्लस टू है, तो कार्बन का भाई ऑक्सीडेशन हुआ, और ये हाइड्रोजन का लोगे तो रिडक्शन हो गया। अब इसका रिडक्शन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ऐसे। तो जब रेड हॉट कोक से सुपर हीटेड स्टीम को पास करवाया जाता है निकेल के प्रेजेंस में एट दिस वेरी हाई टेम्परेचर, तो कार्बन ऑक्सीडाइज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और H2O जो है रिड्यूस कर जाता है किसमें, हाइड्रोजन में। तो ये रिएक्शंस जो हैं कंफर्म कर रहे हैं इस बात को कि वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, बट नॉट वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यदि बहुत बेहतर ऑक्सीडाइजिंग होता एजेंट तो और भी कई रिएक्शंस वाटर के हो सकते थे। तो बजाय या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा ज़्यादा बिहेव कर सकता है, और उसके लिए भी कई रिएक्शंस हैं जिसमें वाटर बिहेव करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो वाटर का देख लिए, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के आधार पर कि बहुत बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, नॉट ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब आता है रिड्यूसिंग बिहेवियर, रिड्यूसिंग नेचर। तो इसमें बोल रहा है कि O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मिल करके बनता है 2H2O लिक्विड, ठीक। और इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वह है प्लस 1.23 ऐसा वोल्ट। अब यहाँ से भी यदि देखोगे तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 1 ही है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ 0 और यहाँ -2, हाइड्रोजन का अभी भी प्लस 1 है, तो हाइड्रोजन का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऑक्सीजन का तो रिडक्शन हो गया ना। और जब इसका रिडक्शन हो गया तो इस केस में यह काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऐसा। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यदि यह काम कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यह वैल्यू होना चाहिए प्लस में, और प्लस में जो है ये वैल्यू है, तो इसका मतलब कि वाटर एक, हाँ, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्योंकि खुद रिड्यूस हो जा रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो यदि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो ऑब्वियसली यह रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, अच्छा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया होगा, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया नहीं हो सकता है। हालांकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है O2, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है H2O, और H2O एक बेहतर ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो इसके लिए कुछ रिएक्शंस यदि लिखोगे, जैसे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन है 2F2 प्लस 2H2O, तो ये मिल करके बनाते हैं 4H प्लस प्लस 4F माइनस प्लस O2। उसी प्रकार से 3Cl2 प्लस 3H2O मिल करके बनाते हैं O3 प्लस 6H प्लस प्लस 6Cl माइनस, ऐसा। इन रिएक्शंस के आधार पर हम लोग समझेंगे कि वाटर कैसे यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0,
अभी वाटर का मॉलिक्यूल है तो यह सब्सटेंस ब्लू है, वाटर का मॉलिक्यूल हट जाएगा, क्रिस्टल को हीट करोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल वहाँ से हट जाएंगे तो इसका ब्लू कलर गायब हो जाता है और क्रिस्टल कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है कि कुछ में क्या होता है कि जो H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं वे ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट इन द क्रिस्टल लैटिस, इन द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में जैसे बेरियम क्लोराइड हम लोग जानते हैं कि एक आयनिक क्रिस्टल है, और आयनिक क्रिस्टल है इसका मतलब बेरियम क्लोराइड के एटम्स आपस में ऐसे अच्छे से अरेंज्ड हैं, क्रिस्टल है तो यहाँ ये जो बीच में खाली जगह क्रिएट हो रहा है ना यही ऑक्यूपाई करेगा H2O मॉलिक्यूल आकर के ऐसा। तो तीन प्रकार के हाइड्रेट बने, एक में क्या देखे कि वह H2O का मॉलिक्यूल मेटल आयन से कंबाइन करके ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरी कैटेगरी में क्या देखें कि H2O मॉलिक्यूल कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ सकता है ऐसे, जो प्रॉपर्टी को भी चेंज करता है। और तीसरे कैटेगरी में देखें कि H2O मॉलिक्यूल कुछ इंटरस्टिशियल साइट को जो है जाकर के ऑक्यूपाई करता है। तो यह हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस दोनों में अंतर हुआ, हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस में अंतर है। हाइड्रोलाइसिस में क्या है कि वाटर का रिएक्शन से वहाँ बॉन्ड टूटता है, जबकि हाइड्रेशन में जनरली ऐसा नहीं होता, हाइड्रेशन में केवल H2O का मॉलिक्यूल जाके जुड़ेगा। द एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल टू अ सर्टेन कंपाउंड और सब्सटेंस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, व्हाइल द ब्रेकिंग और क्लीवेज ऑफ बॉन्ड ड्यू टू द रिएक्शन विथ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। अंतर समझ रहे हो ना, हाइड्रेशन में H2O के मॉलिक्यूल्स केवल जाकर के जुड़ जाएंगे, जबकि हाइड्रोलाइसिस में H2O का मॉलिक्यूल से जब रिएक्शन होएगा तो वहाँ बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो इस तरह से वाटर के बारे में कंप्लीट बात, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके कुछ केमिकल बिहेवियर, इन सारी बातों को जो है हम लोग अच्छे से देख लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन हम लोग आगे का लेक्चर से करते हैं। धन्यवाद।